कांग्रेस द्वारा बंद का असर धनबाद के झरिया में भी दिखा। सुबह से ही बंद समर्थक सड़क पर उतर आम लोगों से बंद करने की अपील की है। वहीं महंगाई और बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि के कांग्रेस के आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका समर्थन वाम दल सहित जेएम ने भी करते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया। बंद को लेकर धनबाद पुलिस भी काफी मुस्तैद दिखी। पुलिस ने धनबाद में कुल 115 बंद समर्थकों को गिरफ्तार किया। वहीं झरिया में भी बंद समर्थक को गिरफ्तार कर झरिया थाना में रखा गया। वहीं झरिया सीओ ने बताया कि बंद अभी बेअसर है, जगह जगह पुलिस की तैनाती की गई है, कहीं से कुछ अप्रिय घटना की खबर नहीं है। लेकर प्रशासनिक तैयारी क्या की गई है, बंद कितना असरदार दिख रहा है? प्रशासनिक तैयारी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, बंद निष्प्रभावी है। कुछ लोग बंद करवाने का प्रयास कर रहे थे, उनको डिटेन करके झरिया थाना में रखा गया है, 100 के करीब लोग हैं। हम लोग सुदामडी क्षेत्र से शुरू किए और झरिया देश बंधु पर डीएसपी साहब ने हम लोगों को अरेस्ट किए, गिरफ्तार किए। किन मुद्दों को लेकर आप लोग ये बंदी करा? हम लोग मोदी सरकार की ये झूठे वादे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना, महंगाई बढ़ना, रुपया गिरना, रफेल घोटाले पर, इस सारे बिंदु पर जो भारत सरकार ने 2014 में चुनाव के समय में भारत की जनता से घोषणा की थी, विश्वास दिलाया था कि हम ये करेंगे, यूपीए सरकार गलत कर रही है आपके साथ, ठीक उसी समय से 3 गुना भारत की जनता पर लोड दिया दाम बढ़ाकर। आज भारत की जनता भाजपा सरकार से त्राहिमाम है और हम लोग का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके निर्देश पर पूरे भारत बंद के आह्वान पर आज हम लोग सुदामडी क्षेत्र से शुरू किए और झरिया तक बंदी कारगर रूप से कराए। क्या लग रहा है कि बंदी से सरकार झुकेगी, असर पड़ेगा? बंदी से सरकार को झुकना ही पड़ेगा, जब तक भारत की जनता के साथ न्याय नहीं होगी, गरीबों के साथ न्याय नहीं होगा, डीजल पेट्रोल के दाम नहीं घटेंगे, रफेल घोटाला का उजागर नहीं होगा और महंगाई कम नहीं होगी, तब तक हम लोग इसी तरह रोडों पर। ये थी धनबाद से अली की रिपोर्ट।